जानेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर को बहुत ही मजबूती वाले स्टॉक के ट्रेंड को झटका लगा है और वो है आई एक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रन में था ये स्टॉक कल तक सारे के सारे बाय बाई सि के चार्ट पे आ रहे थे आज अचानक से 10 परसेंट घटा है ये स्टॉक क्या प्राइस चल रहा है दो सौ तेरह चौदह के आसपास चल रहा है आ, कहीं कहीं मीडिया रिपोर्ट्स आई कि वो डी कपलिंग वाला जो मामला है वो आ, हो जाएगा अब ये कि सारे एक्सचेंजेस पावर एक्सचेंजेस जो भी है वहाँ पर पावर का ट्रेड करने के लिए सेम प्राइसेस रहेगी मामला क्या है मामला है कि आई इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज जिसके प्लेटफॉर्म पर आकर जिन लोगों को पावर खरीदना होता है जिन लोगों को पावर बेचना होता है वो ऐसा कर सकते हैं ठीक वैसे जैसे आप एन और बी पर जाकर आप शेयर खरीदते बेचते हैं कायदे तो से एक, एक एक्सचेंज भी हो सकता है उसी में कर लो बोल लो लेकिन कंपटीशन रखने के लिए इन्वेस्टर्स को अच्छी प्राइस डिस्कवरी मिले अच्छी सुविधाएं मिले इस वजह से एक से ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं राइट नहीं तो खाली एक एक ही हो सकता था बी एस सी चली रहता है एन की जरूरत क्या करेक्ट सर तो दो एक्सचेंज है तो सेम वैसे ही आई ए एक्स है आई एक्स के अलावा कुछ और एक्सचेंज भी है अब अगर समझो कोई ये कह हैं कि भाई एन एस सी और बी एस सी दोनों पे भाव सेम होंगे अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो आप हंसेंगे ऐसे तो कैसे दोनों एक्सचेंज अलग है तो भाव तो अलग होंगे ना यस yes. लेकिन यही चीज़ आई एक्स के बारे में कही जा रही है कि दूसरे पावर एक्सचेंज और इनके पावर एक्सचेंज जो भी पावर खरीदा बेचा जाए उसकी प्राइसेस सेम होंगे उसमें लोग हंस और अगर अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो नुकसान किसको होगा उस एक्सचेंज को होगा जिसका वॉल्यूम ज्यादा फॉर एग्जाम्पल एनएससी बी एस सी ये करने की सोचा जाए बी exactly. एसी तो का वॉल्यूम कम है एनएसी के ज्यादा था एन ए को फायदा हो जाएगा क्योंकि फिर तो आप दोनों एक्सचेंज पे सेम प्राइस मिल रही राइट yes. सिमिलरली right? तो इस चक्कर में आई एक्स टूटा ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई है याद रहे ऐसी ही मीडिया रिपोर्ट साल डेढ़ दो साल पहले भी आई थी yes. तब मैनेजमेंट आया था हमने बात भी की थी मैं सर का नाम भूल गया उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली स्ट्रॉन्गली बुरा समझा के बोला था ऐसा कुछ होने वाला है नहीं ऐसा करना और लॉजिकली भी नहीं है एक्सचेंजेस को आप सारे एक्सचेंजेस को ये नहीं कह सकते कि आप एक ही प्राइस रखें लॉजिकली नहीं बनता है और शायद अगर कोर्ट वोर्ड में मामला जाए तो कोर्ट इसी इसी तरह का फैसला लेगा कि ऐसा हो नहीं सकता करेक्ट करेक्ट अगर अगर ऐसा तो फिर आपको चार एक्सचेंज चाहिए क्यों करेक्ट एक ही एक्सचेंज रखो उसी की प्राइस फिर तो मतलब ही नहीं है ना अगर अलग अलग एक्सचेंज प्राइस डिस्कवरी सही ना करे सो आई थिंक ये थोड़ा ओवर रिएक्शन हुआ है कुछ रिपोर्ट्स का मुझे ऐसा लगता है देखते हैं हम कोशिश कर रहे हैं आईएक्स के मैनेजमेंट से बातचीत करने की क्योंकि पिछली बार आकर उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया था उस उन्होंने भी बोला भी था डेढ़ दो साल तो आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ होने वाला है होगा तो अभी लंबा टाइम लगेगा पहली बात तो होने वाला है नहीं करेक्ट तो अब हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोगों का एक्सेस डर हो गया इस स्टॉक को लेकर और चूंकि बढ़ा हुआ स्टॉक था ओवरबोर्ड था तो करेक्शन के लिए एक बहाना जो चाहिए बट मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को पैनिक करके स्टॉक को बेचना चाहिए थोड़ा सावधान रहें यह ध्यान में रखिएगा लोअर लेवल से शॉर्ट शो, ना कर दें और है तो ऐसे ओने पुने दामों पर ना बेच दें जब तक कि ये क्लियरिटी ना जाए कि भाई ऐसा वाकई में हो सकता है उसके होने के चांसेस कम लगते हैं ना तो कभी नहीं कर सकते कि नहीं होगा गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन है कभी भी बदल जाए हु बट लॉजिकली नहीं होना चाहिए इस इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर सारे एक्सचेंजेस के चाहे वो कमोडिटी एक्सचेंजेस हो चाहे इक्विटी एक्सचेंजेस हो चाहे किसी और तरह के एक्सचेंजेस सबके सेम होने चाहिए हर एक क्यों एनसीडी और एमसीएक्स में प्राइसेज अलग हो जो बी एस सी में अलग हो एक्टली होना तो नहीं चाहिए सी तो फिलहाल वेट इंतजार करें ना खरीदे ना बेचिए ना खरीदे ना बेचे ठीक हाँ। है चलिए यह है आपके लिए आई ए एक्स जिस पर हमारी नजर इस समय बनी हुई है स्टॉक एंड एक्शन दस परसेंट नीचे है इस समय